तो अभी भाई लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, मस्त बना हुआ है यहाँ पर अभी। लोकेशन पर वो भी यहाँ पे दूर दूर तक सब तालाब ही तालाब है। अरे सारा मिला के 160 बीघे है ये। सबसे बड़ा तालाब बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहा है ना, वहाँ देखो सामने जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये तालाब का कोना है, बहुत बड़ा तालाब है। आज मैंने बनाई है पूरी केले, मस्त। तो अभी बनेगी शाम को ये, अभी मैगनेट करके रखेंगे इसको। अब प्रियांश जो है वो बोर हो चुका है और रोने के लिए कर रहा है। सुबह सुबह हमारी बुआ बीड़ी उड़ा रही है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आए हो बच्चे होंगे। तो एक और नई सुबह, एक और नया दिन। और अभी भाई सुबह के 7 बजे हैं। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ गया था और रात में भाई लाला बहुत परेशान करता, सोने नहीं देता है ढंग से। और अभी मम्मी जा रही हैं अपनी ड्यूटी कासगंज और मेरे को निकलना है अभी काम से। तो मैं अभी आया हुआ हूँ बाईपास पर ही इनको छोड़ने के लिए। मम्मी तो ये खड़ी अभी बस का इंतजार कर रहे हैं, बस आ जाए बस। उसका टाइम वैसे हो चुका है, 7 बजे के आसपास ही आती है और देखते हैं कितनी देर में आती है, फिर निकलूँगा बैठा के। तो मैंने मम्मी को तो बस में बैठा दिया था, उसके बाद में कॉल किया था मेरे को जहाँ जाना था, तो अभी वो वहाँ है नहीं है तो मैं थोड़ा लेट ही निकलूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने घर, घर बस पहुँचने वाले हैं। अभी ये रोड जो खाली मिल रहा है, 1 घंटे बाद में इतनी भीड़ होगी कि कुछ दिखाई नहीं देगा भाई, दिखाई देगा नहीं का मतलब है भाई खिसक खिसक के चलते हैं इस रोड पर पूरे दिन। फिर खुर्जा का भाई मेन रोड है ये, बस स्टैंड से तहसील वाला। अभी सुबह का समय है ना, तो इसलिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सुबह सुबह मिल जाते तो अच्छा रहता, सुबह सुबह मौसम भी ठंडा था, ठंडे ठंडे में चले जाता और गर्मी में लौट आता। अब गर्मी में ही जाना पड़ेगा, गर्मी में ही आना पड़ेगा। तो भाई आज भी गर्मी में भाई मिट्टी ख़राब हो जाएगी। तो भाई अभी लगी है बहुत ही तगड़ी वाली भूख, नाश्ता करेंगे पहले। तो आज बहुत दिनों के बाद में खाएंगे हम हासिम भाई की बिरयानी। तो भाई अभी बिरयानी तो खा ली है और अभी चलते हैं घर, गर्मी लग रही है बहुत ही तगड़ी वाली। और घर जाके अभी भाई कुछ जल्दी मिलने वाला नहीं, क्योंकि बाबू बहुत परेशान करता है, कुछ काम करने देता नहीं है। और सुबह जल्दी उठने के बाद में लगती है भाई तगड़ी वाली भूख। जैसे सूरज निकला ना, एकदम से गर्मी शुरू हो गई है बहुत तेज। तो भाई अभी खाना पीना खा के मैं अपने घर से दोबारा निकल चुका हूँ और अभी मैं बस जा रहा हूँ यहाँ से जहाँ मुझे पहुँचना है। वैसे मैंने देखा नहीं है पर रास्ता तो देखा है, वहाँ से पूछना है कि कहाँ जाना है। गर्मी यहाँ बहुत खतरनाक वाली गर्मी है, अभी सुबह से ये हाल हो जाता है भाई, सोचो के दिन में क्या हाल रहता है। तो भाई पहुँचते हैं, अभी निकलते हैं बाजार से फिर पहले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है आगे। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं हाईवे पर और अपने गांव का जो रास्ता है वो जस्ट अभी राइट में है, निकल चुका है। और अभी भाई पहुंचते हैं पहले बुलंदशहर, बुलंदशहर से फिर मेरे को जाना है औरंगाबाद वाले रोड पर। तो देखते हैं यहां से कितना किलोमीटर पड़ेगा। वैसे बुलंदशहर होकर जाते हैं लेकिन हम बुलंदशहर से पहले ही होके जाएंगे, बुलंदशहर के बाईपास पर पहुँचेंगे। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं बुलंदशहर और अभी बाईपास पर चल रहा हूं उसका। बाहर बाहर हम आते हैं, अंदर आते ही नहीं है अगर इधर की साइड जाना होता है तो। और इधर से शॉर्टकट भी पड़ता है। अभी जितना मैं आ चुका हूं ना, इतने में तो सिर्फ बुलंदशहर में एंट्री करता और अभी दूसरे कोने पर हूँ बुलंदशहर के मैं। और रोड पर बहुत टूट रहा है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर पूरा रोड बन जाएगा, डबल लाइन बन रहा है। अभी सामने का रोड देख सकते हो, वो रोड जो है उधर की तरफ भी बन रहा है। तो इसके 2 पुल बनेंगे, एक पीछे और बन रहा है। और ये तो पुराना वाला है ही है, यहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है ना, इसलिए अब इसको डबल लाइन कर रहे हैं। तो भी बाग बाग स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर भी और अच्छे खासे बाग हैं। अभी यहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं, हमें जाना है शायद लेफ्ट, तो किसी किसी गांव का है मुकुंदपुर। तो अभी भाई लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, मस्त बना हुआ है यहाँ पर भी सिस्टम पूरा। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं दूसरी लोकेशन पर, वो भी यहां पे दूर दूर तक सब तालाब ही तालाब हैं। 160 बीघे में बने हुए हैं यहां तालाब और इधर भी बने हुए हैं। बस यहां यही लग रही होगी मोटर पानी चलाने के लिए। ये क्या बीघे का ये वाला? ये
और एक खंडा पूरा गया है ये सामने वाला। अरे सारा मिला के 160 बीघे है ये सारा 160 बीघे होता है ये वाला। हाँ सामने वाला और ये वाला मिला के दोनों भाई। नई टेक्नोलॉजी देखो, चाइना वाली टेक्नोलॉजी। मैं तो सोच रहा था बीच में यहाँ पर खेत होंगे और तालाब होगा। अब दिखाता हूँ, सबसे बड़ा तालाब बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहा है ना। वहाँ देखो सामने जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये तालाब का कोना है। बहुत बड़ा तालाब है, तालाब के चारों तरफ पानी है और पानी के बीचों बीच में हो रही है फसल। देखो पूरे में पानी पानी है, इसमें मछली पल रही है और बीच में इसमें फसल हो रही है। कीड़े को मछली खा जाएगी भाई, क्या टेक्नोलॉजी लगाई है। ये देखो ऐसा सीन भाई, सुना तो था पर देखने को पहली बार ही मिला है। और धूप हो रही है बहुत ही गंदी वाली, पूरा पसीने में हो रहा हूँ। कलर भी चेंज हो गया आज एक दिन में। इसमें भैया बच्चा, इसमें चेक कराएंगे अभी, देखेंगे कैसा बच्चा है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर के लिए। अभी बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि मैं बहुत थोड़ा आउट एरिया में हूँ, तो यहाँ से पहुँचना पड़ेगा पहले भाई औरंगाबाद वाले रोड पर, तब जाके भाई घर पहुँचेंगे। ये रोड बहुत ख़राब है, अब इसी रोड पर जाना है हमें। अब देख रहे हो घर बार कैसे बने हुए हैं गाँव में, तो अच्छे खासे घर बन रहे हैं। देखो जैसी भी खड़ी है घर में, इधर देखो मस्त बन रहा है। यहाँ पे मूंजी लगी हुई है भाई, अभी भी बहुत लग रही है मूंजी। मूंजी का काम बहुत ज्यादा हो रहा है, पसीना देख रहे हो हाथ पे, अगर साथ दिख रहा हो तो शाइनिंग मार रही है, जो शाइनिंग मार रही है ना पसीना है, कैमरे में ना दिख रहा हो तो। तो अभी सियानी और बुलंदशहर वाला रोड आ चुका है और थोड़ी बहुत देर में बुलंदशहर भी आ जाएगा। तो ये तो रोड अभी मस्त बना हुआ है, लेकिन बुलंदशहर में पहुंचने के बाद में जो बाईपास वाला रास्ता है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसी पे टाइम लगा था, अभी भी टाइम उसी पे लगेगा। तो लेफ्ट में अभी जो चल रहा है ये मायावती जी का ही बाग है, जो चल रहा है अभी देख सकते हो। एक गेट ये है, अभी तो बहुत बुरी कंडीशन है इसकी। कोई सामने देख सकते हो किस तरीके से ट्रैक्टर पलट गया था सीमेंट का, दूसरी ट्रॉली में भर लिया है इन्होंने। और भाई अभी खुर्जा भी आ चुका है बाईपास, कि मैं आ चुका था घर, नहाना धोना अपना हो चुका है। तो आती सबसे पहले इसको काटा मैंने, आज मैंने बनाई पूरी केले मस्त, अभी बनेगी शाम को ये, अभी मैग्नेट करके रखेंगे इसको। तो भाई मैं तो एकदम अभी नहा धो के अभी एकदम अब थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ, पाउडर वाउडर लाया तो ठंडा ठंडा फील हो रहा है भी बहुत। तो अभी हम लोग आए हैं प्रियांश को घुमाने के लिए। अब प्रियांश जो है वो बोर हो चुका है और रोने के लिए कर रहा है। अभी लौटे बोर हो गया तो प्रियांश तभी बोर हो चुका है घर पहुंचते जल्दी। तो हमारे घर पे हमारी फूफो आई हैं, बड़ी वाली फूफो, बीड़ी वाली फूफो, बीड़ी लाने बीड़ी। बुआ बीड़ी पी के दिखा दो। अब तो सबने देख ली बुआ वो वीडियो तुम्हारी बीड़ी पीते हुए की। अब तो तुम दिखा सको बीड़ी पीते हुए, कोई दिक्कत ना है। अगली सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह हमारी बुआ बीड़ी उड़ा रही हैं, जब भी कोने में मिल जाए समझ जाओ धुआं उड़ा रही हैं। तो कह रही हैं बुआ साड़ी में आग लग जाएगी, कोई बात ना है, सबने देखी है बीड़ी तुम्हारी। जरा ले दोबारा